दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के मुख्य समाचार में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों से जुड़े कुछ बड़ी व मुख्य ताजा अपडेटों के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे आखिरकार यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा, यूपी बोर्ड का नया सत्र कब से प्रारंभ किया जाएगा, आप लोगों की कॉपियां किस प्रकार मूल्यांकन कराएगा शिक्षा मंत्रालय, इस बार आप सभी की कितनी टोटल कॉपियां हैं, कॉपियों को जांचने के लिए कितना समय दिया गया है। जैसा कि आप सभी को बताएं यूपी बोर्ड की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 अप्रैल, वही इंटर की बोर्ड परीक्षाएं 19 अप्रैल के दिन समाप्त हो जाएंगी और लगभग यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आधी हो चुकी है। अब आप लोगों को बता दें यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को देने के लिए लगभग 54 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे। वहीं आप सभी को बताएं इसमें से सिर्फ 52 लाख विद्यार्थियों ने यूपी बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं और लगभग 2 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकृत होने के बावजूद भी परीक्षाएं छोड़ दी हैं। दोस्तों आप सभी को बताएं यूपी बोर्ड के अभी तक जो पेपर हुए उसके कॉपियों के अंदर कुछ बड़ी अच्छी बातें निकल के आई है। दोस्तों आप सभी बताएं किसी किसी में 500 की नोट है, किसी किसी में 100 की नोट है। वह कॉपियों के अंदर लिखा गया है कि सर मुझे पास कर देना वरना पापा बहुत मारेंगे, सर मेरे घर में ये दिक्कत हो गई थी इस वजह से हम पढ़ाई ना कर पाए, तो प्लीज पास कर देना। इस प्रकार की कॉपियों के अंदर निकले 500 के नोट निकले, 100 के नोट निकले। आप सभी को पूरी जानकारी देंगे यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़े। उससे पहले अभी तक हमारे चैनल पे आप नए चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल यानी घंटे को जरूर ऑन कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता दें कि देश में बोर्ड परीक्षाओं को कराने से पहले यह देखा गया था देश में कोरोना के हालात क्या है। वह 2021 के कोरोना के हालातों को मद्देनजर रखते हुए यूपी बोर्ड की 2022 की बोर्ड परीक्षा का पेपर को तैयार कराया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। जैसा कि आप सभी बताएं यूपी बोर्ड का परीक्षा का पेपर 70% पाठ्यक्रम के साथ बनाया गया था। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने शुरुआत में आदेश जारी किए थे अगर कोई भी विद्यार्थी 2 सब्जेक्ट में फेल होता है, यानी ए सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसे फेल नहीं बल्कि पास माना जाएगा, अगर 2 सब्जेक्ट में फेल होता है तो उस सब्जेक्ट का दोबारा पेपर देके रिन्यूअल करा सकते हैं, जिससे कि आप सभी को पूरा साल बर्बाद होने से बचेगा, पूरी फीस बर्बाद होने से बचेगी, आप दोबारा पास हो सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने आप सभी के लिए तोहफा दिया था शुरुआत में। आप लोगों को बताएं यह रणनीति अभी भी लागू है। आप लोगों को अगर कोई भी विद्यार्थी अगर सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्टों तक या 3 सब्जेक्टों तक फेल होता है तो उसका रिन्यूअल करा सकता है और दोबारा पेपर दे सकता है, जिससे कि उसका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। यह शिक्षा मंत्रालय ने आप सभी लाखों विद्यार्थियों के लिए तोहफा के स्वरूप दिया है कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए। आप लोगों को बताएं अभी तक जो भी आप सभी के बोर्ड परीक्षा के पेपर खराब हो गए, फिजिक्स के, मैथ के, जो भी हो चुके हैं, फिजिक्स के, इंग्लिश के, जितने भी पेपर हो चुके हैं अभी तक, अगर उनमें से कोई भी सब्जेक्ट का पेपर खराब गया या आप सभी को लगता है उसमें फेल हो जाएंगे तो उसको लेकर कोई भी ज्यादा डिप्रेशन मत लाइए। आप आगे के पेपर की तैयारी करते हैं, आगे के पेपर अच्छे से अच्छे करिए। जैसा कि आप लोगों को बताएं अभी जो पेपर हो चुके हैं उनके बाद ध्यान देना बंद कर दीजिए, आप जो होने वाले उस पर ध्यान ज्यादा दीजिए। अब आप लोगों को बताएं कि अभी तक की कॉपियों को मूल्यांकन हिसाब से कितने फीसदी विद्यार्थियों को पास माना जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी बताएं अभी तक की जितनी कॉपियां हुई हैं, जितने आप सभी के रिजल्ट हो चुके हैं, आप लोगों को बताएं उसमें से माना जा रहा है 75% से 75% विद्यार्थी पास होंगे। लगभग दोस्तों आप लोगों को बताएं 60 लाख कॉपियां जांची जाएंगी, जिसको कॉपियों को जांचने का समय मात्र 22 दिन का शिक्षा मंत्रालय की तरफ से निर्धारित किया गया है। आप लोगों की कॉपियों को जांचने का समय जो है 28 जून 2022 रखा गया, सॉरी दोस्तों 28 अप्रैल, जी हां सॉरी 28 अप्रैल 2022 रखा गया। 28 अप्रैल से आप सभी के लगभग 60 लाख कॉपियां 2 लाख शिक्षकों द्वारा जांची जाएंगी 22 दिन के भीतर। यानी कि आप लोगों को बताएं शिक्षकों के द्वारा 22 जो आप सभी के पाइपलाइन रहेंगे वो लगभग 60 लाख कॉपियां 2 लाख टीचरों द्वारा 28 तारीख से जांची जाएंगी। आप लोगों को बताएं 22 दिन के अंदर तो इसका पूरा फायदा विद्यार्थियों को मिलेगा। जी आप सभी को बताएं पूरा विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी क्वेश्चन का सटीक आंसर नहीं भी आता होगा, अगर उस विद्यार्थी ने उस क्वेश्चन से मिलता जुलता आंसर भी लिख दिया तो शिक्षा मंत्रालय के प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार उस विद्यार्थियों को उस जो क्वेश्चन के पूरे नंबर दिए जाएंगे, जबकि न कि उसे फेल किया जाएगा। ये आप सभी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा क्योंकि कोरोना की वजह से 2021 में स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से बंद रहे, ऐसे में आप पढ़ाई न कर पाए, इस वजह से शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया अगर किसी भी विद्यार्थी का पेपर में अगर 1, 2, 4, 5, 10 नंबर तक फेल हो रहा है तो उसे ऐसे पास कर दिया जाए जबकि उसे फेल ना किया जाए। आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे होंगे अगर उस सब्जेक्ट में आप 1, 2, 3, 4 नंबर से फेल हो रहे तो आप वहाँ का टीचर जो कॉपियां जांचेगा वो उसे आपको पास कर देगा। यह शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश है। लगभग शिक्षा मंत्रालय ने बताया था स्टार्टिंग में लगभग 80 से 85 फीसदी तक विद्यार्थियों को पास करेगा शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों आप लोग बताएं कॉपियों के अंदर विद्यार्थी ने बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें लिखी है। आप लोगों को बताएं किसी छात्र ने 100 की नोट रखी, किसी की 500 नोट लिखी, ऐसी कई सारी कॉपियां जिसके अंदर ऐसा रखते हुए देखा गया। जी हां इसी के साथ आप सभी को बताएं कॉपी के अंदर यह भी लिखा गया सर पास कर देना, मेरी माँ नहीं मेरे पापा मुझे मार डालेंगे सॉरी सर, ऐसा करके लिखा गया। और भी चिट्ठी नंबर 2 लिखी गई है सर के पास, सर जी फर्जी के फेल करें या पास करें गुरुजी आपकी कॉपी को खोलने से पहले मेरा नमस्कार शुरू से सर पास कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे की चीजें में कॉपी के अंदर लिखा गया। तो आप सोचते हैं ये पागलपन ये चुतियापा लिखना बंद करें और अपने आगे के जो पेपर होने वाले उस पर अच्छे तरीके से ध्यान देकर पढ़ के आप पेपर दें। आप लोगों को बताएं शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया अगर इस प्रकार का कोई भी विद्यार्थी करता हुआ पाया जाता है तो उसे बिल्कुल फेल कर दिया जाए, बिल्कुल से पास ना किया जाए। अगर आप 1-2 नंबर से पास भी हो रहे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आप इस तरीके चुतियापा बिल्कुल ना करें, आप अपने पेपर पर ध्यान दें और पेपर अच्छे तरीके से लिखें। तो दोस्तों आप लोगों को बताएं शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया कि कॉपी को जांचते वक्त छात्र छात्राओं को पास करने का ज्यादा ध्यान रखा जाए, विद्यार्थियों को कम से कम तादाद में फेल किया जाएगा। और यह हमें भी कमेंट सेक्शन में बताएगा आप सभी का कौन से सब्जेक्ट का पेपर बहुत ही खराब हुआ, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा जिससे कि उस सब्जेक्ट लेकर आप सभी के हो हम राय दे सकें। जय वंदे मातरम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे।